बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने अपने अधिकार तो फ्रीडम टू स्पीच भी है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, यदि आपको मानना है नहीं मानिए। भारतीय संस्कृति आपने बहुत देखा है, तुलसीदास ने कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं आपके लिए। ढोल समझते हैं, गवार समझते हैं, शूद्र शूद्र चार वर्ण होते हैं हिंदू में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र आर द मिलियन लेवल, सबसे नीची जात समझी जाती है शूद्र। पशु जानवर, नारी वुमेन, सकल सारे, ताड़न ताड़ डंडा के अधिकारी, मतलब जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है डंडे से, गवारों को, शूद्रों को, जानवरों को, औरतों को वैसे पीटना चाहिए डंडों से। ये तुलसीदास जी ने बोला, तब की सोच थी, तब के समाज था, तब के लिए सही था ये। बेटे आज ढोल के अलावा किसी को भी डंडा मार के दिखा, नहीं मेरी बात सुन, तो नहीं सुन ना, किसी गवार को पकड़ और डंडे से पीट, या किसी शूद्र को पकड़ डंडे से मार, गाय को डंडे से मार, या किसी औरत को डंडा मार, आईपीसी के इतने दफे लगेंगे ना बेटा, दफा हो जाएगा यहाँ से हमेशा के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्कृति और सभ्यता एक चीज होती है, मगर जो पहले के लिए था, हो सकता है वो आज गलत हो, राइट? आज के सही हो, मतलब एम आई राइट? आप ये बताइए कि संस्कृति सभ्यता कभी गलत हो सकती है? नहीं। जब राजा राममोहन रॉय ने सती के खिलाफ आंदोलन किया था, तब कौन गलत था, भारतीय संस्कृति या राजा राममोहन रॉय? मेरे और सवाल है, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज के लिए आंदोलन किया था, कौन गलत था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी या भारतीय संस्कृति सभ्यता? जब सावित्रीबाई फूले ने औरतों के लिए और शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला था, उनके लिए अलाउड नहीं था पहले एडुकेशन, कौन गलत था, भारतीय सभ्यता या सावित्रीबाई फूले? जब गांधी जी ने छूत और छूत की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था, कौन गलत था, भारतीय सभ्यता या गांधी जी? आपका मानना है कि ये सब गलत है, भारतीय सभ्यता हमेशा से? नहीं नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो, ये जो संस्कृति, इसमें आप ये कैसे कह सकते कि ये संस्कृति में है कि शूद्रता, हम लोग शूद्रता को नहीं मानते, औरतों को जलाया जाता था, सती किया जाता था, ये हाँ ये एक विशिष्ट, सुनिए ये हमारी ये संस्कृति नहीं, संस्कृति नहीं है ये, एक विशिष्ट एक जात ने की हुई थी, पैदाइश थी वो, और हर कोई नहीं कर रहा। विधवा पुनर्विवाह वो भी नहीं था, पहले नहीं था, नहीं था। देखिए आप अगर हिस्ट्री को नकार देंगे तो फिर मैं नकार नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे ना, नहीं कभी छूत अछूत थे, लेकिन वो हमारी भारतीय सभ्यता थी या नहीं? नहीं नहीं, वो जो छूत शूद्र थे या नहीं, शूद्र थे, वो हमारी भारतीय सभ्यता थी कि नहीं? शूद्र थे, लेकिन वो जाति किसने निर्माण की, मनुष्य ने की, भगवान ने नहीं की, पहली बात। सभ्यता भगवान ने दिया या, तो फिर ये सब कहाँ से आया? ये सब आ गया श्रीराम जब, औरतों के कपड़े भगवान ने बनाए, आदमी ने बनाए, ये ऐसे आप इंडिविजुअली एक एक बात कहोगे, आप भी वही नहीं, आपका पॉइंट मैं आप ही को दे रहा हूँ ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, भगवान ने जो बनाया तो फिर नंगे घूमना चाहिए ना। जब से वो राम राज्य आया था, तब से जो प्रथा आई थी कैसे राम राज्य होना चाहिए, राज्य कैसे होना चाहिए, ये राम ने हमें बताया, श्री राम ने बताया कि कैसा आदर्श राज्य। उस जो बाबा साहेब का संदेश है, जो उनके जीवन भर का अनुभव है, जीवन भर का जो संघर्ष है, कितनी मुसीबतों से, कितने संघर्ष के बाद, वो जो आज अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हम इस मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, या कोई भी MP MLA ग्राम प्रधान या निगम पार्षद जो बनते हैं, या कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन सब को ये सब दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन कितना कठिन परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद ये समय में दिला पाए, और तो वो संघर्ष लोगों तक पहुँचे कैसे, अगर वो 22 वॉल्यूम्स बंद हो गए तो वो आपने उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं अम्बेडकर नेशनल चैनल को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करते हैं आपका। अम्बेडकर नेशनल चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल
जो YouTube पर भी प्रसारित होता है। प्रस्तुत करता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।